कटान हुआ है, जानकारी आज सुबह मिली ही है कि किरण पत्नी बिमलेश का मकान था और वो नदी के मुहाने पर ही था और कटान करके वो नदी में समा गया है। उसमें जो भी मकान का अनुदान होता है सरकार की तरफ से, वो लोग हम लोग उनको देंगे। ये सहायता हमें दिया था, दिया गया और उनको एक भोजन घर पहुँचा दिया गया है। वो अध्यक्ष सेफ कोई दिक्कत नहीं है। कोटने के लिए उसमें फिर सात नार के लोग लगे हुए हैं, एक्सीडेंट लगे हुए हैं वहाँ पर। जो कटान रोक सकते हैं वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं, मौके पर काम चल भी रहा है। तो जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं हम लगे हुए हैं, जैसे भी कार्रवाई हम करते रहेंगे तब तक कटान नहीं रुकेगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।